नवरत्न किचन में आपका स्वागत है। मैं रीना गुप्ता आपको चावल और सहजन का फूल का चीला बना के बताएंगे। रोटी बोलिए, चीला बोलिए, नाश्ता या रात का खाना में इसको खाया जाता है। धनिया के चटनी के साथ इसको खाना है। देखिए इस तरह से बना हुआ है, देखिए इस तरह से सॉफ्ट, इस तरह से बना हुआ है। इसके अंदर सहजन का फूल है। आगे वीडियो देखिए, इसमें कैसे बनेगा इसको बताएंगे। इसको बनाने के लिए हम सफ़ेद चावल जिसका रोटी बनता है वो चावल लिए हैं, और ये 250 ग्राम चावल है और 1 कटोरी चना दाल है, और ये सहजन का फूल है। सहजन जिसको ड्रम स्टिक बोलते हैं उसका फूल है। इसको बहुत कोई सूजना बोलते हैं, बहुत जगह मुनगा बोलते हैं। ये तीनों मिला के हम नाश्ता बनाएंगे, रोटी फूल का। और ये 6-7 कली लहसुन है और 1-3 मिर्चा है। मिर्चा अपना टेस्ट के हिसाब से डालना है। अब ये सब, ये दोनों को सोक करना है, 2-3 घंटा पानी में सोक करके इसको रखना है। जब सोक हो जाएगा तो उसको धो के, ये हम सोख करके रखे हैं, देखिए धो के रखे हैं, इसमें इसको डालेंगे, लहसुन को और मिर्चा को डालेंगे और इसको पीस लेंगे। और इसको पीसना है, और इधर मेरा पानी गर्म हो रहा है, पानी उबल रहा है, इसमें सहजन को, ये पानी उबल रहा है, इसमें इसको अच्छा से धो लेना है, साफ से धो लेना है सहजन को, और इसको पानी में, खौलता पानी में ऐसे डालना है। और एक बार उबल जाएगा, एक उबाल में इसको निकाल देना है। इसको ढक देना है, एक बार उबलेगा तो निकाल देना है। देखिए इसमें उबाल आ गया है, इसको 1 मिनट में ही इसका हो जाता है, इसको ज़्यादा नहीं उबालना है, 1 मिनट के लिए उबालना है इसको। और अब वो हो गया है, इसको ऑफ करते हैं और इसका पानी निकाल लेंगे। इस तरह से इसका पानी निकाल लेना है। पानी निकाल लेना है, उसके बाद इसको पिसा हुआ चावल में मिलाएंगे। देखिए इसको हम पीस लिए हैं चावल को, इसका इस तरह से गोल है, इस तरह का गोल बनेगा देखिए। और इसमें ये सहजन को डालेंगे, इसको इस तरह से मिला लेंगे। हम इतना ही डालेंगे, इतना अधिक हो जा रहा है। और इसमें थोड़ा हल्दी, 1/2 चम्मच जैसा हल्दी, और नमक, टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये सुबह का नाश्ता में या रात का खाना में भी खाया जाता है। इसको रोटी बोलिए, चीला बोलिए। इधर अब मेरा तावा गरम हो रहा है, इसमें डालेंगे सरसों का तेल।
बनाना है इसका। देखिए इस तरह का घोल होना चाहिए, इसको इसमें डालेंगे इस तरह से। इसको इस तरह से फैलाना है, थोड़ा एक मिनट के लिए इसको ढक के पकाएंगे। अब इसको खोलते हैं, इसके ऊपर हल्का तेल डालेंगे। सरसों का तेल है, सरसों का तेल से बना रहे हैं। दोनों तरफ अच्छा से पका लेना है। देखिए इधर पक गया है और इधर भी अब थोड़ा अच्छा से पका लेंगे। देखिए तैयार हो गया है, अब इसको निकाल लेते हैं।